हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग चिलर के बारे में जानने वाले हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं मैकवे का चिलर है, मैकवे एयर कंडीशनिंग का, और इसके अंदर जो है हमारा स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रू कंप्रेसर, दो स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है। तो हम एक एक करके सब के बारे में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल साइड में क्या क्या है, मैकेनिकल में क्या क्या आपका डिवाइस देखने को मिलेगा, सेफ्टी डिवाइस कौन सा है, कहाँ पे लगाया हुआ रहता है, तो सबका हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे दोस्त लोग का ये चीज रिक्वेस्ट था, तो हम सोचे कि चलिए इस पे भी हम बना देते हैं एक वीडियो। और इसका हम फर्स्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना कंट्रोल एरिया का हम लोग सब चीज देख लेंगे, डिस्प्ले उस्प्ले का फंक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर का मैकेनिकल डिवाइस देखेंगे। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मेन हमारा चार चीज होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर, ये चार चीज। बाकी हमारा जो एक्सटर्नल यूज किया हुआ रहता है, फिल्टर वगैरह और जो भी हमारा सेफ्टी डिवाइस यूज किए हुए हैं, सोलेनॉइड वाल्व वगैरह जो लगा हुआ रहता है, तो उसके बारे में भी आप लोग को हम दिखाएंगे। तो आइए हम कंप्रेसर के पास देखते हैं कि डिस्चार्ज सक्शन लाइन, कंडेंसर, इवेपोरेटर किधर है। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा कंप्रेसर है और ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर के ऊपर देखिए कंडेंसर फैन लगे हुए रहते हैं इसके अंदर। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से दो लाइन निकलता है, एक डिस्चार्ज लाइन और दूसरा हमारा इधर सक्शन लाइन है। ठीक है, ये दो यहाँ पर स्क्रू चिलर लगाया हुआ है और यहाँ पर एक चिलर है, बीच में एक चिलर है दोनों का ज्वाइंट करके। और ये दो कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर वन एंड कंप्रेसर टू यहाँ पे। तभी इसका फुल फंक्शन हम लोग इसका देखेंगे, कैसे इसका वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है ये। बाकी यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व लोडिंग अनलोडिंग का यहाँ पर डाला हुआ है। लिक्विड इंजेक्शन लाइन जो आपको मालूम होगा, लिक्विड इंजेक्शन लाइन हमारा लिक्विड लाइन से यू टैप करके डाला रहता है कंप्रेसर चेंबर में। ये हमारा ये डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन यहाँ से आपको इधर में आया कंडेंसर में, कंडेंसर में पूरा रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंस होएगा। कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड बनता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो हमारा इस लाइन से होते हुए फिल्टर ड्रायर में आता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सर्विस वाल्व वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद अगर हमको इसका कुछ काम करना है तो ये वाल्व को हम लोग क्लोज करके उसके बाद इसका हम लोग कैचल कोर वगैरह जो चेंज करना रहता है, अगर खराब हो गया तो चेंज कर देते हैं। इधर से ये हमारा वापस यहाँ पर आया, ये लाइन लिक्विड लाइन में, इसमें साइड ग्लास लगा हुआ रहता है। लिक्विड लाइन में कभी भी देखिएगा साइड ग्लास आपको लगा रहेगा। ये लिक्विड लाइन जो है यहाँ पर इक्विनाइजर में डाला ट्रैप लगा करके, और यहाँ पर वापस इक्विनाइजर का दूसरे साइड में डाला है। यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स भी लगाया हुआ, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व लगाया हुआ है। ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में भी आपको हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है सब कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये इधर से इन किया, इधर से ये आउट किया। ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन से जो लिया ना, इसके बाद जरूरत के हिसाब से ये जो है लिक्विड लाइन और ये वेपर का ये रेफ्रिजरेंट जो आपस में टच करने के बाद जो है ये ज्यादा अच्छा से सब कूलिंग हो जाता है। सब कूलिंग होने के बाद वापस यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड वाल्व लगाया हुआ है। सोलेनॉइड वाल्व लगाने के बाद इधर में आया, इधर में आने के बाद ये हमारा चिलर है, जिसको हम लोग एवोपरेटर भी बोलते हैं, चिलर बोलिए जो भी बोल सकते हैं। और इधर में यहाँ पर TXV भी लगाया हुआ है, थर्मो स्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस भी मिल सकता है, TXV भी मिल सकता है, जो भी यहाँ पर लगाया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। इधर में आने के बाद यहाँ पर इंटर किया, ठीक है, लिक्विड लाइन के बाद जो है यहाँ पर आपको इंटर किया। इसको रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, डिमांड जरूरत के हिसाब से रेफ्रिजरेंट का फ्लो इसके अंदर कराता है। सेकंड जो कंप्रेसर का है, इधर से फंक्शन आकर के इसके अंदर इंटर। आपको ये बताते चले कि ये जो यू ट्रैप करके जो यहाँ पर लिया, जो इसका आउट कहाँ पर जाएगा, तो इसका आउट जो है हमारा कंप्रेसर का कंप्रेशन चेंबर में जाता है, जहाँ पे सक्शन को ठंडा करने के लिए, सक्शन अपना डिस्चार्ज टेम्परेचर ठंडा करने के लिए, और वाइंडिंग जब ज्यादा हीट हो जाता है उसको भी ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कंप्रेसर चेंबर में जाएगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लाइन जो है ना, इधर से होते हुए देखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर का एरिया है ना, ये अपना इधर में यहाँ पे कंप्रेसर सेक्शन में यहाँ पर इसको इंक्लूड किया, डाला। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं सोलेनॉइड वाल्व यूज किया हुआ है। इधर में देखिए सोलेनॉइड वाल्व यूज किया हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, यहाँ पर डाला हुआ है। फिर इसमें भी ये जो लाइन आया है, लिक्विड लाइन को यहाँ पर लेकर के इसमें डाला है, ये भी यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व के जरिए डाला है। अब इधर आप आएंगे तो इसके अंदर हमारा टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है,
इसके अंदर कंप्रेसर का कनेक्शन किया हुआ टर्मिनल बॉक्स, इसके अंदर SSPS भी यूज किया जाता है जो सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर हमारा थ्री फेज मान लीजिए डाला हुआ है तो थ्री फेज में कोई भी फेज रिवर्सल हो जाएगा, एक फेज नहीं मिलेगा तो वो हमारा कंप्रेसर को बंद कर देगा, एक सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। फिर उसके अंदर अपना इंटरनल थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी रहता है जो T1 T2 के से कनेक्शन रहता है। तो SSPS का हम अलग से उसका ये बनाएंगे, एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारा लंबा वीडियो हो जा रहा है। ऑयल का साइड ग्लास, यहाँ पर हम लोग ऑयल लेवल चेक करते हैं कि कितना परसेंट हमारा ऑयल है, ठीक है। अभी इसका जो है यहाँ पर ऑयल लेवल सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये वायर जो आप देख रहे हैं। दूसरा हमारा ये हीटर का कनेक्शन दिया हुआ है, ऑयल को हीट करने के लिए ये हीटर का कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये चीज आप देख लिए यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सक्शन लाइन जो है, सक्शन लाइन में यहाँ पर चीलर से जो ये आउट किया लाइन, ये हमारा कंप्रेसर में जाएगा। तो यहाँ पर गेज लगाया हुआ है कितना हमारा प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का, वो इसमें शो करेगा। इधर भी प्रेशर रिलीफ बल्ब हम यहाँ पर लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर थर्मोस्टेटिक का जो है टेम्परेचर सेंसर जो है ये सक्शन लाइन में पूरा अच्छा से कवरिंग किया हुआ रहता है, इधर में ये चीज लगाया हुआ है, ठीक है। गैस डालने के लिए उधर भी पिन बल्ब है हमारा, लिक्विड लाइन में भी डाला हुआ है, फिर सक्शन लाइन से भी हम लोग गैस हम लोग डाल सकते हैं, ओके। अभी आपको चिलर का हम मॉडल दिखाते हैं। ये हमारा देखिए, ये चिलर का फुल डिटेल्स है, कितना बार पे टेस्ट इसको किया गया है। ये चिलर को, इसको चिलर बोलिए कूलर बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम इसका कंट्रोल साइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या लगाए हुए हैं डिवाइस, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये कंट्रोल साइड है, इधर में यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ थ्री फेज इनकमिंग यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, और ये मेन हमारा आइसोलेटर है, ठीक है। आइसोलेटर के बाद इधर में आया तो इधर में फ्यूज वगैरह लगा हुआ है, फिर कंडेंसर फैन का इसके अंदर का अपना ये OLR ओवरलोड रिले लगा हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है, और इधर में ये हमारा कंप्रेसर, दो कंप्रेसर है, दो कंप्रेसर का दो कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये हमारा जो देख रहे हैं टाइम डिले रिले है, फिर इधर में अपना दूसरा डिवाइस टाइमर वगैरह लगाया हुआ है, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग इधर देखेंगे, इधर में आप जो देख रहे हैं ये हमारा मेन डिस्प्ले है, इसके अंदर टोटल रेडिंग हमारा शो होता है, तो होगा। और ये हमारा दो एक्सपेंशन डिवाइस है, दो चिलर है ना, दो एक्सपेंशन डिवाइस का दो यहाँ पर ये लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ है, इसके अंदर PCB रहेगा जो भी कंट्रोल इसका पूरा अपना वायर के जरिए पूरा सेंसर से यहाँ पर दिखाएगा, डिस्प्ले में इसका दिखाएगा। यहाँ पे दो बॉक्स लगाया हुआ है, देख रहे हैं EXB1 EXB4 करके ये एक्सपेंशन बोर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद इधर में जितना भी है सबका सेंसर का कम्युनिकेशन यहाँ पर डाला हुआ है टोटल। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टर स्विच जो आप देख रहे हैं, ये मेन सिलेक्टर स्विच है, ये दोनों कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए, ये मेन ऑन करने के बाद में ये आप जो है इसको ऑन करने का। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारा ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन ये हमारा ऑफ है, ये जीरो पोजिशन में ऑफ रहेगा, वन पोजिशन में ऑन रहेगा, ये Q1 Q2, ओके। और इसके बाद ये वन में है तो ये ऑन रहेगा, ये इधर हम लोग करेंगे ये हमारा ऑफ पोजीशन में हो जाएगा, जो कि ये हमारा ऑन पोजीशन में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चिल्ड वाटर रिटर्न आ रहा है, जो HU से हमारा जो रिटर्न वाटर आ रहा है वो चिलर में हमारा इंटर किया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना चिल्ड वाटर रिटर्न है, वो हमारा आगे में चिलर है जो आप देख रहे हैं चिलर, ये चिलर में रिटर्न इधर से आया, HU से रिटर्न आया इसमें, और उसके बाद जो है यहाँ से वापिस जो है आगे में जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं चिलर का, उससे जो हमारा ये जो है आउट किया, ये आउट करके हमारा HU में सफाई ये जाएगा, ये रिटर्न आ रहा है लाइन, एक लाइन रिटर्न आएगा, एक लाइन सफाई जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न में जो है यहाँ चिल्ड वाटर का जो ये सप्लाई जो इधर जा रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे वाटर फ्लो स्विच लगाया हुआ है, वाटर फ्लो स्विच लगाया हुआ है। दूसरा हमारा वहाँ पे कंट्रोल बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, वो भी डिस्प्ले में आपको शो होगा DDC में, वो कंट्रोल बल्ब है, और इसको हम लोग एक्चुएटर भी बोलते हैं, ठीक है, एक्चुएटर बोलते हैं, कंट्रोल बल्ब बोलते हैं।
और आपको लाइन में गेज मिल जाएगा, गेज का प्रेशर कितना है, टोटल गेज रहेगा प्लस में। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा थर्मोमीटर लगा हुआ रहेगा, गेज लगा रहेगा, प्रेशर इन आउट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और आउट कौन सा लाइन है, चिलर का आउट कौन सा लाइन है, जो अपना चिल्ड वाटर को ठंडा करके उसके बाद जो आउट कर रहा है, उसमें आपको देखने को आपको वाटर फ्लो स्विच मिल जाएगा और हमारा कंट्रोल बल्ब जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप उससे समझ सकते हैं ये हमारा चिल्ड वाटर का फ्लो है, ये मतलब सप्लाई है, ठंडा करके पानी को लाइन को भेज रहा है। आई होप कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और इस तरह से हम बाकी वीडियो भी आप लोग को बनाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जो उन्हें भी सीखने को कुछ मौका मिले। और अपना इस तरह का बहुत सारा डिवाइस है जिस पे हमको अलग अलग से एक एक वीडियो बनाना होगा, एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।